शिक्षा महर्षि कहे जाने वाले पंजाब राव देशमुख की कर्मभूमि अमरावती में शिक्षा के मंदिरों का क्या हाल है, यह आप हमारी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में जरा ध्यान से देखिए। जी हाँ, एक ओर तो आजादी के बाद निजी शिक्षा का बजट करोड़ों के आंकड़ों को पार कर गया, दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों की हालत किस तरह से बदतर होती चली गई, यह किसी से छुपा नहीं है। अमरावती शहर के वडाली परिसर के देवीनगर जूना बस स्टॉप स्थित महानगर पालिका की स्कूल क्रमांक 14 की हालत क्या है, यह देखने के बाद आंखें खुली के खुली रह जाती है। बच्चे किस स्थिति में पढ़ रहे हैं? इमारत 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया था, इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन को इतनी जहमत गवारा नहीं हुई कि स्कूल को नवीनीकरण कराया जाए। स्कूल की इमारत की दीवारें जर्जर हो चुकी है, कई जगह पर फटी हुई दीवारें साफ तौर पर नजर आती है। कई जगह पर इमारत की दीवारों के पुराने हो जाने के कारण ईंटें दरकने लगी है, लेकिन बच्चे इन्हीं हालात में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल की मुख्य प्राध्यापिका से हमने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि स्कूल की खराब हुई हालत को लेकर कई बार महानगर पालिका प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन उन्होंने आश्वासनों से ज्यादा कुछ नहीं दिया। सरकारी कर्मी बोलने को डरते हैं कि कहीं नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते या उन्हें इस ओर ध्यान देने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर वोट लेने की बारी आती है तो जनता को वर्गलाने से वोटर्स किस तरह से अपने पक्ष में आ जाते हैं, यह सब कुछ जनप्रतिनिधि बीते कई चुनावों से देखते आ रहे हैं। किस तरह से भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल कर जनता का ध्रुवीकरण अपनी ओर किया जाता है, यह सब कुछ राजनेताओं को अच्छी तरह से समझ आ चुका है। जिस स्कूल में हम गए हुए थे वहाँ पर ना तो संविधान की कोई प्रति लगी हुई थी और न ही महापुरुषों की तस्वीरें। मुख्य प्राध्यापिका से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, यहाँ गंदगी बहुत है इसलिए हमने सब कुछ हटा लिया है। स्कूल में गंदगी का आलम तो यह था कि मुख्य प्राध्यापिका जब हमसे बात करने के लिए टेबल पर बैठी तो उन्होंने टेबल को खुद ही साफ किया, मानो कई दिनों से स्कूल में झाड़ू तक नहीं लगी थी। मुख्य प्राध्यापिका से जब पूछा गया कि स्कूल में स्वच्छता का हाल इतना बुरा क्यों है तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले महानगर पालिका के कोई बाबू यहाँ पर आए थे, उन्होंने देखा कि स्कूल में सफाई नहीं है तो उन्होंने दो स्वच्छता कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त तो किया लेकिन उनकी जगह दूसरे स्वच्छता कर्मी अभी तक स्कूल में लाए नहीं गए, इसीलिए स्कूल की हालत इतनी बदतर है। एक और तो स्कूल के कंपाउंड की दीवारों पर सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत, ई शिक्षा प्रकल्प की घोषणाएं नजर आती हैं, दूसरी तरफ स्कूल का हाल क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। डिजिटल इंडिया का नारा लगाने वाली बीजेपी की सरकार, डिजिटल इंडिया का नारा लगाने वाली अमरावती में सत्तारूढ़ बीजेपी किस तरह से शिक्षा संस्थानों का हाल कर रही है यह देखने लायक है। क्या अब भी आप कहेंगे कि वाकई विकास हो रहा है, वाकई शिक्षा संस्थानों की हालत बदल रही है? जब सत्तारूढ़ पार्टियों के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाए तो वह आंकड़े गिनाने से नहीं हिचकते, लेकिन शायद उन्होंने भी अपनी एयर कंडीशन कार और कुछ गिनी चुनी सीमेंट की सड़कों व अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों से ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, इसीलिए वह आंकड़ों की व्याख्या बयान करते हैं। ज़रा चलिए और ज़मीनी हकीकत देखिए, उसके बाद कहिए कि विकास हुआ है, क्योंकि चुनावों में आप तुष्टिकरण के मुद्दे तो बहुत लेकर आ जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत को सोचिए और समझिए, फिर जनता से वोट मांगिए। यकीन है कि आप इस हकीकत को देखने के बाद जनता से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। मैम, जो स्कूल की जो बिल्डिंग है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जो हमको जानकारी मिली कि 100 साल हो चुके हैं इसको, 100 साल से यहाँ पे स्कूल चल रहा है। क्या महानगर पालिका को, आप 2 साल से यहाँ पे मुख्य अध्यापिका हो, आपने इस स्कूल की हालत से अवगत नहीं कराया? कराया सर, सबको, बांधकाम विभाग, आयुक्त सर, उपायुक्त, हमारा शिक्षण विभाग, जो भी संबंधित सब है, सबको लेटर दिए हैं और सबको इसके तस्वीरें भी भेजे उसके साथ।
तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। आके देख के गए, उन्होंने बताया कि ये जो ये बिल्डिंग है पहले वो उसकी मरम्मत पहले करेंगे, यानी वो पहले बर्खास्त करेंगे फिर नए बनाएंगे, ऐसा बोला है। तो ऐसा कब तक होगा वो मालूम नहीं सर, वो भी नहीं पता, सिर्फ देख के गए और ऐसा करने का उनका यानी मनोभाव है। मैम जो सरकारी स्कूल है हम वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक वो लगी हुई रहती है संविधान की, हाँ। वो भी आपके यहाँ पे नहीं लगाई गई अब तक? है थी सर यहाँ पे लगी थी, लेकिन वो धूल होने के कारण निकल गई, वो है निकल गई। हाँ। और महापुरुषों की जो तस्वीरें लगाई जाती है सब है, लेकिन जब हम कार्यक्रम करते हैं तब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आप दिख रहे कि धूल है, इसलिए इस सब है। महानगर पालिका यहाँ स्कूल में सफाई कर्मी नहीं भेजती थी अभी हमने सर, लेकिन सर ने निकाल दिया। क्यों? उस दिन सफाई नहीं दिख रही थी क्योंकि वो जो कामगार थे वो नहीं आए थे, तो पूरा गंदा था, तो उन्होंने निकाल दिया। दूसरे सफाई कर्मी रखे? हाँ, उन्होंने कर दिया, यानी उन दोनों को भी निकाल दिया। और उसके फिर बाद में बच्चों को मिड डे मील मिलता? हाँ मिलता डेली डेली। क्या परोसते हैं आप मिड डे मील में? मेनू के हिसाब से परोसते डेली, अलग अलग रहता है डेली। स्कूल में बच्चे चटाई पर बैठे हुए थे, कुछ एक डेस्क और बेंच नजर आ रहे थे। मुख्य प्राध्यापिका से यह भी पूछा गया कि यहाँ पर डेस्क और बेंच क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कुछ हैं, कुछ के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन आप भी इंतज़ार करिए और हम भी इंतज़ार करते हैं कि महानगर पालिका की नींद कब जागती है और कब वह बच्चों को बैठने के लिए बेहतर संसाधन मुहैया करवाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है? नहीं थे, डेस्क बेंच भी है, लेकिन कुछ कुछ क्लास में है, जो टोटे हैं वो सब उस क्लास में है, बाकी सब बच्चे फारे में बैठते हैं। नए मंगवाए थे लेकिन आए नहीं, आए नहीं। सभी सबके लिए सब लेटर दिए गए हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है जब जब वैसे मिलेंगे वैसे। जो बच्चों के लिए जो शौचालय है उसकी व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब है। हाँ, तो अभी हमें अखर्चित निधि का जो खर्च करवाने के लिए बोला गया है उसमें से हम कर रहे हैं। हाँ, वो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। एक हैंडवॉश स्टेशन बना रहे हैं क्योंकि वो कम गिर रहा है इसलिए, और ये रूम जो फ्लोरिंग खराब हो गया था वो भी कर रहे हैं, और एक मनीषा है कि पूरे क्लास को कलरिंग भी करने का इरादा रखते हैं, फिर वो काम शुरू हो जाए। यहाँ के नगर सेवक कौन उनके कार्य क्षेत्र में? तीन नगर सेवक, आशीष गावंडे, उन लोगों को यहाँ की स्थिति बताएंगे क्या आपने, इतनी खराब है बच्चों की स्थिति पर? जैसे मैंने बोला ना, सब अधिकारी स्कूल से संबंधित सभी अधिकारी को जैसे बताया सबको, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे वो, हम नहीं बता सकते सर। हमने जो एक्शन किया हम बता सकते हैं, उन्होंने क्या किया हम नहीं बता सकते। स्कूल में शौचालय की हालत बद से बदतर है, शौचालय देख के ही किसी खंडरनुमा जर्जर इमारत की तरह लगता है, लेकिन बच्चे इसे ही इस्तेमाल करते हैं, न जाने कई दिनों से मरम्मत नहीं हुई है, दीवारों की लीपापोती तक नहीं हुई है। बच्चे जो पानी पी रहे हैं वह पानी जिस टैंक से आ रहा है उसे भी देखिए, उस टैंक में मच्छर नजर आ रहे हैं, टैंक की तह में मिट्टी जमी नजर आ रही है, पता नहीं वह कभी साफ भी होती है या नहीं, लेकिन नारा है मेरा देश बदल रहा है। बेटियों को पढ़ाकर परिवार बन रहा है, गरीब को बिना सहारा कारोबार हो कर रहा है, किसान की फसल को बीमा का बल मिल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। हर बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा किस हालत में पढ़ रहा है क्या यह नारा लगाने वाले बताएंगे? मुझे नहीं लगता कि बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी हकीकत को देखा ही नहीं है। VCN न्यूज़ ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से बात की, उनसे पूछा
क्या आपको मिड डे मील का खाना रोज़ाना मिलता है? तो उन्होंने कहा हाँ मिलता है। लेकिन जब हम मुख्य प्राध्यापिका से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्कूल में मिड डे मील का खाना रोज़ मेनू के अनुसार आता है। जब बच्चों से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें रोज़ सिर्फ खिचड़ी मिलती है। बच्चों, आप लोगों को स्कूल की तरफ से पुस्तकें और ड्रेसेस यूनिफॉर्म मिला है? सभी को मिला है? मिड डे मील मिलता है डेली, जो खिचड़ी वगैरह बनती है? क्या खाते हो आप लोग उसमें? खिचड़ी, खिचड़ी डेली। हाँ। कुछ नया नहीं मिलता? नहीं, नहीं मिलता। डेली खिचड़ी खाते हो ना आप लोग? कड़ी मिलते, खिचड़ी कैसी है खाने में? खिचड़ी अच्छी है। वैसे तो खिचड़ी जब हमने देखी तो खिचड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन मेनू के अनुसार मिलने वाला खाना कहाँ गया यह किसी को नहीं पता। रेणुका बचतगढ़ द्वारा खिचड़ी यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, लेकिन रेणुका बचतगढ़ का कहना है कि महानगर पालिका मेनू के अनुसार सहूलत नहीं देती, इसलिए हमें रोज खिचड़ी ही बनाकर बच्चों को परोसनी पड़ती है। मेरा देश कितना बदला है यह तो नहीं पता, लेकिन सरकारी शिक्षा संस्थानों की हालत बद से बदतर हुई है, यह मैं जरूर पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। स्थानीय प्रशासन और बड़े बड़े दावे करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की आंखें कब खुलेगी यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ चलते हैं। आप भी देखिए और सोचिए कि सरकारी शिक्षा संस्थानों में बच्चे किस तरह की दुर्गम अवस्था में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। VCN न्यूज़ के लिए कैमरामैन सागर ताइड़े के साथ शम्स अंसारी की रिपोर्ट।